एज ऑलवेज प्रिसीजन कंटेंट में भी कास्टिंग में भी, ये देखो पॉइंट पे जता रहे हैं। मैं तो भाई ये जगह पड़ा था कि भाई ये आएंगे रिसीव करने जाऊंगा। सो गाइस कैसे हो सभी लोग, और सभी का स्वागत है पहले व्लॉग में। एंड स्टार्ट कर रहे हैं, काफी दिन से इंतजार चल रहा था यहाँ पर। थोड़ा सा आवाज कम आएगी, अभी रूम में बैठा रहा हूँ तो इसलिए। बाकी क्या कर रहे हैं हम वो एक बार जरूर बता देते हैं। तो अभी देखिए गाइस, पैकिंग की तैयारी चल रही है अभी के लिए। और ये पैकिंग अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा गए थे, देन उसके बाद वापस दिल्ली आए स्टूडियो में। एंड अभी के लिए जो तैयारी चल रही है वो है हमारी चेन्नई स्काई स्पोर्ट्स WD ब्लैक की बीच भाई जो इवेंट आ रहा है $7,000 का, उसके रिगार्डिंग ये अभी चल रही है। तो कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो देख सकते हो यहाँ पर भी मान लो स्ट्रीम वगैरह का कुछ प्लान वगैरह बनता है तो शायद वहीं से करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, अब शायद 2 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है कि स्ट्रीम नहीं कर पाया अपने चैनल पर। तो इस बार देखते हैं, ट्राई करते हैं। एंड लेट्स सी, भी थोड़ा तैयार वगैरह हो जाते हैं फिर रात में निकलना है, और सुबह आई गेस 6 बजे की फ्लाइट है तो पहले से तैयार होकर चलते हैं। तो हेलो गाइस, फिर से जैसे हम बात कर रहे थे, थोड़ा तैयार वगैरह होने चले गए थे, नहाने वगैरह चले गए थे, तो नहा के आ चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, और अभी बज रहे हैं 10, तो 2 घंटे में निकलेंगे यहाँ से। एंड थोड़ा सा रूम अभी ऐसे ही, क्योंकि रहता नहीं है इस रूम में, तो इसी में शूट कर रहा हूँ। और अभी देखते हैं कितने बैग्स हमारे हो चुके हैं यहाँ पर रेडी, क्योंकि 12 बजे निकलेंगे, 1 बजे तक पहुँचेंगे, तो 5 घंटे आई गेस मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि 6 बजे करेक्ट एयरपोर्ट में डिपार्चर है मेरा। सो चलते हैं एक बार देखते हैं कितने बैग्स हमारे हो चुके हैं यहाँ पर तैयार। 25 किलो तक का हमारे पास एयर इंडिया का है, इसमें थोड़े बहुत माइक वगैरह, बाकी लैपटॉप। सो जैसा आप देख चुके हैं 3 बैग हो चुके हैं पैक 25 किलो का, जैसे लिमिट होता है एयर इंडिया में, क्योंकि बाकी एयरलाइंस में अगर जाएंगे तो 15 किलो का कुछ लिमिट वहाँ पर लगती है। और इतने सारे ब्लेजर होते हैं भाई, 6-7 तो ब्लेजर ले रखे हैं उसमें, फिर जीन्स एंड ऑल ये सब, तो शर्ट वगैरह भी हो गई, तो आराम से 15 से 20 किलो तो आराम से यहीं पर हो जाता है। अब देखते हैं, और मैं वेट भी चेक करूंगा, देखते हैं कितना यहाँ पर कितना किलो होता है, क्योंकि 25 किलो से ज़्यादा निकला तो फिर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा हमें। तो एक बार देखते हैं, मेजरमेंट मशीन लेकर आता हूँ मैं, एंड चेक करते हैं कि 25 किलो से कम है कि नहीं। सो चेक कर रहे थे गाइस, एक बार देखते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है, ये देखो आपके सामने 21 किलो है, तो मतलब सही है, सेफ है अपना, इसलिए प्रेफर करते हैं सब लोग कि एयर इंडिया से जाए, क्योंकि 25 किलो का जो लिमिट है ना वो एयर इंडिया ही प्रोवाइड करती है। तो अभी के लिए पैकेज वगैरह पैकिंग वगैरह सब कुछ डन हो चुकी है, 12 बजने का बस इंतजार है, और जैसे 12 बजेंगे चलेंगे उसमें, जो भी यहाँ पर कार के थ्रू जा रहे हैं अपनी गाड़ी के थ्रू जाएंगे एयरपोर्ट तक, और वहाँ से फिर शूट करेंगे, और देखते हैं एयरपोर्ट में क्या क्या कुछ देखने को मिलता है कि नहीं। एयर इंडिया का ये रहता है कि थोड़ा सा
25 किलो का वेट कम से कम लेके जाते हैं, लेकिन भीड़ देखो यहाँ पर कितनी सारी है। ओके तो गाइस अपने को मिल चुका है अपना बोर्डिंग पास और गेट नंबर मेंशन नहीं, एक बार सिक्योरिटी चेक इन हो जाए ना यहाँ पर, ये मुझे बंद करना पड़ेगा फ़ोन यहाँ पर, सिक्योरिटी चेक इन के बाद ही पता चल पाएगा अपना गेट नंबर कौन सा है। चलिए फिर आगे करते हैं बात। ओके तो गाइस अपना सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है। अच्छी बात ये रही कि मतलब रोका नहीं गया, मतलब अपना चेकिंग के लिए दौरान पूछते हुए कि क्या है, सब कुछ अपना हो चुका ठीक, करते हैं पैक और करते हैं फिर आगे चल के बात। चेन्नई गेट नंबर 28B, चलो 28B का लिखा हुआ है। तो अभी गाइस यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं लाजा प्रीमियम लॉन्च में, क्योंकि अब दिसंबर आ चुका है और हमारे जो डेबिट कार्ड का एक उसमें फीचर रहता है कि तुम आई गेस 1 या 2 रुपीज़ में तुम कुछ मतलब पेट भर के अपने को कुछ भी मिल सकते हैं ऊपर, तो एक बार चेक करते हैं क्योंकि अभी के लिए भी टाइम की तरह बात करो, टाइम है अपने पास काफ़ी। चलो चलते हैं लेकर देखते हैं क्या क्या यहाँ पर होगा अवेलेबल। भाई जिसकी हम बात कर रहे थे ये रहा वो लॉन्च, देखते हैं अभी अपने को मिल पाता है कि टिकट के नहीं डेबिट कार्ड की तरफ से। डेबिट कार्ड में भी शायद दो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, देखते हैं अंदर जाके पता चलेगा। चलिए तब तक मैं करता हूँ लाइन में, लाइन देखो कितनी बड़ी है यहाँ पर। प्रीमियम लॉन्च में चपाती चिकन एंड राइस एंड कितने रुपये लगते हुए हैं मेरे पास, ओनली 2 रुपीज़ ये। और ये फैसिलिटी कितना इन्होंने जो बताया मुझे क्वार्टरली पे क्वार्टरली प्रोवाइड करते हैं, तो मतलब एक कार्ड से कम 4 बार आप ये जो फैसिलिटी है इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखते हैं इसके बाद, इस डिनर के बाद मेन कोर्स के बाद सीधा स्वीट डिश देखते हैं अगर अपने को मिलती है कि नहीं। और स्वीट डिश ढूंढ रहे थे, स्वीट डिश में तो भाई बस ये ब्रेड ही मिली, स्वीट ब्रेड और नाचोस के साथ एंड पेप्सी के साथ करेंगे यहाँ पर, चलते फिर आगे बढ़ने मिलते हैं। चलो अब तो भाई यहाँ से वेट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, 3 घंटे अभी भी अगर मैं घड़ी चेक करता हूँ तो 3 बज रहे हैं अभी, यहाँ से 6-5 के है। चलिए भाई मिलते हैं फिर। 3 hours later ओके गाइस तो अब स्टार्ट हो चुकी है हमारी बोर्डिंग, अभी जा रहे हैं, लाइन लगी है ना। देखो एंट्री पे क्या ही सही नज़ारे। ओके तो गाइस आ चुके हैं फाइनली एंड बैगेज काउंटर पे लेने आ रहे अपना सामान, चेक इन बैग जो डाला था 20-22 किलो का जो था, लेट्स सी तो पिक करते हैं फिर बैठेंगे कैब बुक करा के सीधा स्काई HQ की तरफ, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। 20 मिनट हो गए थे, थोड़े घड़े इंतज़ार हो गया भाई यहाँ पर,
बैगेज नहीं आया, लेकिन अब आया फाइनली। देखो वो देखो, कट मारा उसने सामने से, अब आएगा, पिक करेंगे सीधा उसके बाद कैब बुक एंड निकलेंगे अपना सफ़र स्काई स्पोर्ट्स के HQ की तरफ। पहुंच चुके अपनी डेस्टिनेशन में, और हमारा कैप्टन प्राइस तो भाई दिख ही नहीं रहा है। ओके तो गाइस, पहुंच चुके हैं हम स्काई स्पोर्ट्स के HQ की तरफ, और अभी आ रहे हैं हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जहां पर हमारे दो मित्रगण जो हमारे कास्टर हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। ये देखो इनको पहले से पता था हम आने वाले, हमारे आगमन की स्वागत करने रुके थे। गेम्स ऑफ पेट भर गया और पेट सीरियसली भर गया आपका। सुबह सुबह खाने नहीं हुआ पर कंटेंट बन रहा है। ये क्या कट है सीधा देखो कैमरा, ये क्या कट है भाई? क्यों, ये कौन सा कट है? ये अच्छा इधर इधर दिखा, सही तो लग रहा है। देखो अभी देखो रिश्ता आ रहा है, रिश्ता नहीं आ रहा है। देखो अभी पहले मैंने 0.5 ये करा है ट्रिम, अभी उसके बाद थोड़े दिन बाद ये भी ग्रो हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक फिर एक हफ्ते का काम चल जाएगा। गेम्सो एज ऑलवेज प्रिसीजन कंटेंट में भी कास्टिंग में भी, ये देखो पॉइंट पे जता रहा है। मैं तो भाई ये जगह पर आता था कि भाई ये आएंगे रिसीव करने जाऊंगा, घंटा भाई आके सीधा यहाँ पे दरवाजे से घुस गए अंदर, भाई निकालो भाई इनको वापस। भाई मुझे लगा कि गाड़ी की आवाज आएगी, रेड कारपेट बिछेगा, कुछ नहीं है भाई, ऊपर आ रहा हूँ, पानी खुद पी रहे हैं भाई, फिर अब ऊपर आए। मैं आपके लिए वेट कर रहा था, चलो वर्कआउट करते हैं, इसलिए बैठा था अभी तक। चलो गाइस पहला व्लॉग है, अभी देखते हैं एंड करेंगे शायद होटल में, क्या है भाई पता शुरू क्या रहना है, कैसे कैसे आप तो यहीं पे सड़क पे भाई, मतलब सड़क भाई बिछा देंगे, लगा देंगे, सो जाना, क्या दिक्कत है? बता ना कैसा सीन है, क्या सीन है भाई? तो 5-star होटल और क्या है भाई, गेस्ट कास्टर्स का हमेशा 5-star होटल। गाइस देखते हैं अभी होटल में अगर होता है तो वहीं पे जाके एंड करेंगे पहला दिन का, मतलब पहले दिन का पहला व्लॉग है, और मुझे पता है इतनी ज्यादा आवाज नहीं निकली मेरी पहले उनसे। अभी ये लोग आए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, ये लोग आए तो कॉन्फिडेंस बढ़ा है, बाकी देखते हैं। चलो तो अभी के लिए थोड़ा सा करते बंद, फिर आगे चलते हैं कंटेंट का। ये देंगे कंटेंट हमें, और ये हमारा बंदा जिसने हमारी पहली रील बनाई थी यहाँ पर, कंटेंट बनाएंगे। चलो दिस कैप्टन कब से स्टार्ट है अपना, फिर अपन कल भाई देख बाल का हाथ क्या हो गया गेम का, कल 12:30 बजे तो पेक को ना, मतलब 6 तारीख, आज कितना तारीख है, 5 तारीख है। एंड कास्ट अनाउंसमेंट भी गाइस आपको जल्दी आ जाएगी, ऐसे तो वीडियो के बाद ही आ जाएगा, जल्दी लाइक करो, टीम्स आर कमिंग, सब्सक्राइब करो, वो तो बाद में होगा। ओके तो गाइस थोड़ा सा बताया था डिटेल्स वाइज में, अभी आप बाहर निकलते हैं, बात करते हैं आपको इस इवेंट की, थोड़ी डिटेल्स बताते हैं। तो सीन इज दैट कि कल से हमारा इवेंट स्टार्ट है यहाँ पर, WD ब्लैक स्काई स्पोर्ट WD ब्लैक 7000 USD का जो टूर्नामेंट होने वाला है। अभी 10 मैनेजर थे यहाँ पर हमारे साथ, कैप्टन प्राइज, और कल दिन में हमारे साथ मायो भी यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आ जाएंगे आपको। सो कास्टिंग डेक में शुरुआत शायद मैं और कैप्टन ही स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, लेकिन कल से फिर माया भी यहाँ पर साथ होगा, और मोस्ट प्रोबली इस इवेंट के बाद WD ब्लैक इवेंट के बाद सीधा हम स्काई स्पोर्ट्स मोबाइल ओपन भी कास्ट करते हुए नजर आएंगे साथ में तीनों, तो बस बने रहना। और अभी तो देखो मस्त है चिलिंग एरिया स्काई स्पोर्ट्स का, और ये देखो यहाँ पर लोगो वगैरह सब लगे हुए हैं बाहर की तरफ, देखोगे ना, ये देखो स्काई स्पोर्ट्स। तो चलो गाइस अभी के लिए जैसे मैं बात कर रहा था व्लॉग में एंड करूंगा होटल में, बट अभी टाइम नहीं क्योंकि शायद होटल कल या परसों में हम शिफ्ट होंगे, जब माया भी यहाँ पर आ जाएगा तो एक बार एक साथ ही हम बुक करेंगे होटल को। तो अभी के लिए गाइस यहाँ से लेते हैं अलविदा, मिलेंगे आपको जल्दी एक नए व्लॉग में, सो टेक केयर, बाय बाय गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।